मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ ग्रेप वाइन। हाँ जी, ओ माय गॉड, कैसे हैं? ये देखिए, आज हम फिर कहीं जा रहे हैं हमेशा की तरह। क्या चाहिए ये क्या होता है? ये चाहिए ये क्या होता है? ये क्या चाहिए आपको? फोन रखने वाला क्या चाहिए? सो आज हम जा रहे हैं सीरत के स्कूल शूज लेने के लिए। आपने स्कूल शूज लेने जाना है? सीरत कह रही कि मुझे स्कूल शूज नहीं, ये लेना नहीं चाहती है। हाँ, जोर से बोलो। इसको पूरा दिन फोन चाहिए, इसको कोई काम नहीं है। सारा दिन ये फोन देखती रहती है, पूरा दिन। मेरे बेड की हालत देखिए गाइस, इतनी बुरी हो रखी है इस टाइम, है ना। तो मेरा बेड इतना ज़्यादा मैसी हो रखा है। कल एक्चुअली ये स्कूल जाएगी, फ्राइडे को ये स्कूल नहीं गई थी, और कल मैं इसको स्कूल भेजूंगी। शायद ट्यूसडे की छुट्टी है ईद की, तो इसकी तबीयत भी ज़्यादा कुछ ठीक नहीं लग रही है। इसको कोल्ड कफ एंड शी इज़ कॉफिंग कंटिन्यूसली, शी इज़ कॉफिंग। तो मुझे ये है कि मैं इसको कल स्कूल भेज देती हूँ, फिर उसके बाद ट्यूसडे की तो फिर छुट्टी है। अब लेट इतना ज़्यादा हो गया है, तो हम बस निकलने ही वाले हैं। ओ माय गॉड, क्या बज रहे हैं? 8 बज रहे हैं। व्हाट इज़ द टाइम सीरत? टाइम क्या हो रहा है सीरत? टाइम बताओ। फ़ोन में से बाहर निकलो, कम आउट ऑफ द फ़ोन, टॉक, बोलो। क्यों, क्या हो गया? शूज़ लेने जाने हैं कि नहीं जाना है? शूज़ लेने, जल्दी बता मेरे को, जल्दी बोल, शूज़ लेने हैं या नहीं लेने हैं, ये बताओ पहले तो। शूज़ लेने हैं? हेलो, इस लड़की को तो कोई मतलब ही नहीं है किसी भी चीज़ से। इसकी स्कूल ड्रेस जो है वो हमने ले ली थी, 2 पेयर्स इसके हमने स्कूल से ही ले लिए थे, लेकिन इसके पापा ने बोला कि जो शूज़ है वो हम ब्रांडेड खरीदेंगे, हम लोकल शूज़ नहीं खरीदेंगे। सो प्रॉब्ली वी आर गोइंग टू डू द बाटा स्टोर शूज़ लेने के लिए, और अगर हमें वहाँ पर शूज़ मिल जाते तो बहुत अच्छी बात है, वरना आराम भरोसे। यहाँ पर हम गए थे उस दिन, यूसुफ सराय गए थे शूज़ लेने के लिए बाटा के स्टोर पर ही, तब उन्होंने बोला कि हमारे पास तो शूज़ है नहीं, और मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया था, ऑनलाइन भी बाटा के शूज़ अवेलेबल नहीं है। मिंत्रा पे, अमेज़ॉन पर भी देखा, मुझे कहीं पर नहीं मिले। तो बेटर है कि ठीक है ट्राई करके और उसके बाद फिर हम शूज़ लें। सो चलते हैं सीरत के शूज़ लेने के लिए। चलिए चले फिर। कपड़े लेने? कौन से कपड़े लेने जा रहे हो? अरे बोल तो सही, ले, मैं नहीं लेके दे रही कोई कपड़े। कपड़े आपके पास कितने सारे कपड़े गाइस? इसकी अलमारी मैं आपको दिखाऊं, आप इसकी अलमारी देखोगे ना आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, ये है सीरत की वार्डरोब। ये ऊपर सारी की सारी टी शर्ट्स हैं, ये टॉप है, ये टी शर्ट्स हैं, ये इसके शॉर्ट्स हैं, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट्स हैं, और ये इसकी जो लेगिंग्स है पजामा, मतलब इसके 4 रोज़ तो ऐसे ही हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके तो हाल ही गुल हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए नीचे, ये खुला अलादीन का पटारा, ये देखिए, ये है इसकी फ्रॉक्स, ये है इसकी नाइट सूट, ये भी है इसके नाइट सूट, और ये भी है इसके नाइट सूट। ये वाली लेन भी पूरी नाइट सूट की, मतलब 3 लेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट सूट की ही है, ठीक है। नीचे जो है गाइस, नीचे और रखे हुए हैं इसके सेट्स जो है, और जो आप सबसे नीचे वाला वो देखेंगे, उसके सबसे नीचे है सीरत के शूज़ बेलीज, मतलब इतने ब्लेस्ड तो शायद ही पता नहीं कोई बच्चे होंगे जितने ब्लेस्ड हमारी सीरत मैडम हैं, है ना। सीरत आपके पास कितने सारे शूज़ हैं?
कितने सारे शूज है तेरे पास? सुनी नहीं रही मेरी बात। कितने सारे शूज है आपके पास सीरत? हैं? ये लड़की सुन के राजी नहीं है, बिल्कुल मेरी बात ही नहीं सुनती। सीरत मेरी बात नहीं सुन रही। सीरत मेरी बात सुन लो। मेरी बात क्यों नहीं सुन रही तू? तप 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 कौन बड़ी आई? लीस्ट इंटरेस्टेड। चलिए चलते हैं हम नीचे। चले नीचे। तो हम जा रहे हैं नीचे और फिर आई होप कि पता नहीं। हाँ मेरा भी गला खराब हो गया। कहाँ जाना है? हमने कहाँ जाना है? हमने तो जाना है स्कूल सवेरे सीरत को छोड़ने के लिए। फिर हम कहाँ जाएंगे? क्या बोल रही है ये? ये क्या बोलती रहती है ये? मुझे तो आधी इसकी बात समझ ही नहीं आती है कि ये बोलती क्या है। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रही है? तो हम नीचे पार्किंग में ही फंसे पड़े हैं अभी तक। अभी हम पार्किंग से बाहर ही नहीं निकले हैं क्योंकि गाड़ियों पे गाड़ियाँ यहाँ पार्किंग में लगी रहती हैं और उसके बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। अभी जिनकी गाड़ी पहले लगी थी उनको हमने फ़ोन किया और वो अभी नीचे उतरे हैं। तो ये निकली है हमारी गाड़ी बाहर। तो चलो कहाँ चलते हैं? नानी हाउस। क्यों नानी हाउस नहीं जा रहे? अभी हमारे पास सामान ही नहीं नानी हाउस जाने के लिए। चलो। क्यों? हमारा सामान नहीं है। अच्छा ठीक है। तो गाइस अब हम चल दिए हैं सीरत के शूज लेने के लिए। और ये हमारी जो गलती है। Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know? वी आर फाइनली एट द बाटा स्टोर। ये हमारे पीछे ये बाटा स्टोर है। चलते हैं हम अंदर इसके शूज़ देखने के लिए। आई होप कि शूज़ मिल जाएँ। अगर शूज़ नहीं मिले तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। सो लेट्स गो इनसाइड एंड जस्ट चेक फॉर द शूज़। ब्लैक Oh, when did it? Oh, when did it? Oh, when did it?
बेली वाले भी है क्या? जी जो बेली टाइप में आते हैं, बेली वाले नहीं होंगे, बेली वाले नहीं होंगे, यही है। अच्छा देखा, भैया साइज ना थोड़ा सा ना बड़ा ही देना ताकि ना 2 साल चल जाए प्लीज। ये साइज इसको छोटा लग रहा है मुझे। क्योंकि सॉक्स भी पहनेगी ना, साइज बड़ा देना बस, ये भी कितना लंबा है ये? ये क्या सही है? अच्छा वैसे 7 है, 8 नौ नंबर बेलीज में भी आते हैं वैसे, यही वाले सही है। और भी ब्लैक में मम्मा ये उतार दो। हाँ अभी उतार। वेट और भी है भैया इसमें, और है ब्लैक में, ब्लैक में ये होता है इसमें, ब्लैक और वाइट। अच्छा ब्लैक और वाइट है, और नहीं 5 उतार रहा है ना वेट, ये क्यों उतारना है? इसका क्या प्राइस है? 1290 देखने। सो हमें शूज नहीं मिले बाटा के अंदर, तो वी वॉन्टेड मोर डिज़ाइंस बट वी कुंट गेट, तो इट इज़ जस्ट दैट हम एक और शोरूम पे देखने के लिए जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी है क्योंकि अभी शोरूम सारे बंद होने वाले हैं शूज़ के, तो चल रहे हैं हम कहीं और, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पर एटलीस्ट जा तो रहे हैं हम, पता नहीं कहाँ। बाटा दे भी इतने महंगे। हाँ जी, तो हमें स्कूल शूज नहीं मिले मेट्रो के शोरूम पर, तो शूज थे ही नहीं। सो अब कल सीरत को नॉर्मल शूज़ ही पहन करके जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है क्योंकि बाटा भी बस 10 मिनट्स में बंद होने वाला है। अब उसके बाद पता नहीं क्या करना है, लेना है। अब ऑलमोस्ट पूरी आप यहाँ पे साउथ एक्स की मार्केट देख लीजिए, साउथ एक्स की मार्केट ऑलमोस्ट पता नहीं 9 बजे क्लोज़ क्यों हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पूरी मार्केट 9 o'clock क्लोज होने वाली है ऑलमोस्ट। ये शोरूम्स इन्होंने जब स्टार्टेड क्लोजिंग ऑल द शोरूम्स, सो आई डोंट नो वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स, वी आर गोइंग बैक आई थिंक। सो हमें एक स्कूल शूज़ तो मिले नहीं, अब पता नहीं स्कूल शूज़ हम कब लेने जाएंगे। फ़िलहाल तो कल सीरत को जो भी इसके पास शूज़ अवेलेबल है इसको वही पहन के जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर परसों ईद की छुट्टी है आई थिंक, कि शॉप्स खुलेंगी क्या पता, नहीं भी खुले। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करूँगी, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए स्टे सेफ और अपना ख्याल रखिए, एंड प्लीज़
लाइक शेयर सब्सक्राइब वॉच माय वीडियोस एंड प्लीज लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ और आपको एंटरटेन कर पाऊँ. हाय नहीं बाय का टाइम है. अच्छा सीरत वो बोल दो प्लीज लाइक. हाँ शेयर एंड वेरी गुड सब्सक्राइब टू माई वीडियो टू माई चैनल. ओके गाइज सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू गुड नाइट. बाय.